अपने सारे मेहमानों को, हमारे सिख बहन भाई जो सारी दुनिया से आए हैं, हिंदुस्तान से आए हैं, मैं आज आप सबको खुशामदीद कहता हूं। मैंने जो आज आप में खुशी देखी, मैं अब अपने मुसलमान भाइयों को, पाकिस्तानियों को अगर मैं समझाऊं कि जो आपकी शक्लों पे मैंने खुशी देखी वो ऐसे है कि मुसलमान मदीना से 4 किलोमीटर दूर एक बॉर्डर के बाहर खड़े हैं और मदीना जा नहीं सकते, और उनको अगर मदीना जाने का मौका मिल जाए तो वो जो उनको खुशी मिलेगी वो आज मैं आपकी शक्लों पे खुशी देख रहा हूं। इंशाल्लाह हम करतारपुर के दरबार को, इसको आपके लिए बेहतर और बेहतर करते जाएंगे, फैसिलिटीज आपको देंगे, और इंशाल्लाह जब बाबा गुरु नानक की 550वीं सालगिरह होगी तो आप इंशाल्लाह ये सारे इलाके को ऐसा देखेंगे, जब आप अगले साल जब आप आएंगे तो आपको खुशी होगी देख के कि इंशाल्लाह हर किस्म की फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, आप क्योंकि मेरे दोस्त नवजोत सिद्धू ने जो आज बातें की, मैं बड़ा मुतासर हुआ हूं। मुझे नहीं पता था कि क्रिकेट की कमेंट्री तो मुझे याद है इनकी, क्रिकेट भी याद है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये सूफी कलाम में इतना ज्यादा इनकी इतनी माहिरत है। तो आज मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूं। मैं अब सबके सामने, क्योंकि आज हमारे हमसाए यहां आए हुए हैं, मैं आपके सामने पहले अपना क्रिकेट का तजर्बा रखता हूं। 21 साल मैंने अपनी जिंदगी क्रिकेट खेली और फिर 22 साल मैंने सियासत की, तो मैं उन दोनों का मुख्तसर आपको बताता हूं और नवजोत सिद्धू इसको समझेगा कि मैं अपने क्रिकेट के दौर में दो तरह के खिलाड़ियों को मिला। एक वो खिलाड़ी था जो कि जब मैदान में कदम रखता था तो उसके जेहन पे हारने का खौफ होता था, वो सारा सोचता था कि मैं किसी तरह हारू ना, डरता था हारने से, वो ना कोई चांस लेता था ना कोई रिस्क लेता था, सिर्फ कोशिश करता था कि मैं मैच किसी तरह मैच हो और मैं हारू ना। एक दूसरा खिलाड़ी होता था, वो जब कदम रखता था क्रिकेट की ग्राउंड पे तो वो जीतने का सोचता था, वो हारने के खौफ के ऊपर काबू कर बैठा था, वो ये सोचता था कि मैं जीतूंगा तो क्या होगा, बनिस्बत उस खिलाड़ी के जो डरता था हार गया तो क्या होगा, वो चांसेस लेता था, रिस्क लेता था, बड़े फैसले करता था, और हमेशा दूसरे माइंडसेट का खिलाड़ी वो कामयाब होता था, चैंपियन वो बनता था जो हारने से डरता था, जितना भी अल्लाह उसको टैलेंट देता था कभी वो बड़ा खिलाड़ी नहीं बना। जब मैं सियासत में आया दो तरह के सियासतदान मैं मिला, बदकिस्मती से ज्यादातर वो सियासतदान जो सियासत में सिर्फ इसलिए आते थे कि उनकी जात के लिए क्या है, लोगों को वोट लेते थे, अवाम की खिदमत करूंगा, और सियासत में आके अपनी खिदमत करते थे, जो पब्लिक ओपिनियन के साथ चलते थे, नजरिए के साथ नहीं चलते थे, और अपने मुफादात के लिए अवाम को कुर्बान कर देते थे, और ये मैं सारी 22 साल देखता रहा। एक दूसरा सियासतदान था, वो एक बड़ी सोच लेके आता था, वो अपने इंसानों का, माशरे का सोचता था, वो इंसानों को इकट्ठा करता था,
वो नफरतें फैला के वोट नहीं लेता था, वो भी बड़ी चांस लेता था, वो भी अपने खौफ को पहले काबू करके बड़े जुरतमंदारा फैसले करता। वो सियासतदान के ऊपर तनकीद भी होती थी और कई दफा आवाम एक तरफ खड़ी है पब्लिक ओपिनियन और वो दूसरी तरफ खड़ा होता था, लेकिन बड़े काम ये दूसरा सियासतदान करता था जो बड़ी ख्वाब देखता था, जिसकी बड़ी सोच थी। वो अपने लिए नहीं आता था, वो अपने इंसानों की बेहतरी के लिए आता था। ये दो तरह के मैंने सियासतदान देखे। ये जिधर आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान खड़ा है, हमारे 70 साल से हम इसी तरह के मामलात देख रहे हैं। मैं चले आज आप क्योंकि आज भी आप भी आए हुए हैं तो मैं इसको बेस्ट डिस्क्राइब करता हूं हमारे ताल्लुकात, बजाय मैं कहूं कि हिंदुस्तान की गलती है, हिंदुस्तान कहता है पाकिस्तान की गलती है, मैं मुनीर नियाजी का शेर से डिस्क्राइब कर देता हूं। सिद्धू ने यह सुना हुआ है, कुछ शहर के लोग भी जालम सन, कुछ सानू भी मरण का शौक भी सी, दोनों तरफ गलतियां हुई, लेकिन जब हम आगे तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक ये जो जंजीर माजी की जंजीर ने हमें जब तक वो तोड़ेंगे नहीं, हम इसी तरह फंसे रहेंगे। ब्लेम गेम चलती रहेगी, पॉइंट स्कोरिंग होती रहेगी। माजी सिर्फ सीखने के लिए है, माजी रहने के लिए नहीं है। माजी सिर्फ आपको सबक सिखाता है आगे बढ़ने के लिए। हम अभी तक जब भी मैं ताल्लुकात अपने देखे, हम एक कदम आगे बढ़ के दो कदम पीछे चले जाते हैं। हमारे में अभी तक ये नहीं है, ये हमारे में ताकत नहीं है कि हम एक दिन ये फैसला करें कि जो भी होगा हमने अपने ताल्लुकात ठीक करने हैं, हमने अच्छे हमसायों की तरह रहना है। अगर फ्रांस और जर्मनी जिन्होंने कितनी जंगें लड़ी और करोड़ लोग एक दूसरे के मारे, अगर वो आखिर में एक ऐसे हमसाये की तरह रह सकते हैं जिधर उनके पास आज ओपन बॉर्डर्स हैं, तजारत है, ट्रेड है, आज वो सोच भी नहीं सकते जंग लड़ने का, क्योंकि उनकी कनेक्शन बिजनेस का, सरमायाकारी का ऐसा कनेक्शन हो गया कि वो अब सोचते भी नहीं है, कभी अब तसव्वुर भी नहीं करेंगे कि जर्मनी और जापान कभी लड़ेंगे। लेकिन करोड़ों लोग एक दूसरे के वो कत्ल कर चुके हैं माजी में, क्योंकि उनकी लीडरशिप ने एक दिन फैसला किया कि हम ये माजी की, माजी ने जो हमें रोका हुआ है आगे बढ़ने से, हम ये जंजीर तोड़ देंगे, और तोड़ दी उन्होंने। वक्त ये है, पाकिस्तान आज उधर खड़ा है और हिंदुस्तान, कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि अल्लाह ने हमें क्या अपॉर्चुनिटीज दी है। अगर फ्रांस और जर्मनी एक यूनियन बना के आगे बढ़ सकते हैं, हम क्यों नहीं बढ़ सकते? हमने तो इतने एक दूसरे की, हमने भी एक दूसरे के लोग मारे हैं, लेकिन वो कत्लेआम तो हमने कभी भी नहीं की जो उधर हुई थी। मैं जब भी हिंदुस्तान जाता था, कॉन्फ्रेंसेस पे जाता था, मुझे हमेशा ये कहा जाता था कि जी हाँ जी आप हिंदुस्तान पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, डेमोक्रेटिक लीडरशिप एक तरफ है लेकिन फौज दोस्ती नहीं होने देगी। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि आज पाकिस्तान में हमारी, मैं प्राइम मिनिस्टर, हमारी पार्टी, हमारी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी फौज, हमारे सारे इदारे एक पेज पे खड़े हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम एक वो एक सिविलाइज्ड रिलेशनशिप चाहते हैं। हमारा मसला एक है कश्मीर का। मुझे ये बताएं कि इंसान चांद पे पहुंच चुका है, कौन सा मसला है जो इंसान हल नहीं कर सकता? क्या हम एक मसला अपना हल नहीं कर सकते? सिर्फ दो इरादे वाली लीडरशिप चाहिए बॉर्डर के एक दोनों तरफ,
जो इरादा कर लें कि हम मसला हल करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यह मसला हल हो जाएगा। कोई ऐसी चीज नहीं जो हल नहीं हो सकती, लेकिन एक इरादा चाहिए और एक बड़ा ख्वाब चाहिए। सोचें कि एक दफा हमारी तजारत शुरू हो जाए, हमारी रिलेशनशिप ठीक हो जाए, आप अंदाजा लगाएं कि पोटेंशियल कितना है, क्या हो सकता है, दोनों मुल्कों को कितना फायदा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, और जो जिस वजह से मैं दोस्ती चाहता हूं, मैं एक मजबूत रिलेशनशिप चाहता हूं हिंदुस्तान से, उसकी सबसे बड़ी एक वजह है कि बर्रे सगीर में दुनिया की सबसे ज्यादा गुर्बत है। अगर हमने गुर्बत खत्म करनी है और कम करनी है, सबसे तेजी से वो गुर्बत कम होगी अगर हमारे बॉर्डर खुल जाए और तजारत शुरू हो जाए। चाइना की मिसाल ले लें, चाइना की मिसाल ले कि दुनिया की तारीख में कभी किसी मुल्क ने 30 सालों में 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से नहीं निकाला जो चाइना ने निकाला पिछले 30 सालों में। उनकी मिसाल तो देखें, कितनी जंगें लड़ी हैं उन्होंने, उनके भी और बड़ी दूरंदेश दूर सोचने वाली लीडरशिप है। उसने सोचा कि नहीं, हम पहले अपने मुल्क में गुर्बत खत्म करेंगे, और उन्होंने वो काम किया जो मैं फिर से कहता हूं दुनिया की तारीफ में किसी ने नहीं किया। हमें आज बड़े शरीर में यह सोचना चाहिए कि हमारे कितने लोग हैं गुर्बत की लकीर से नीचे, कितने हमारे लोग हैं बच्चे पैदा होते हैं जिनकी स्टंटेड ग्रोथ है, जिनको क्योंकि खुराक नहीं मिलती, ना उनके जेन बड़े होते हैं ना उनके कद पे पहुंचते हैं। तो हमारी जो जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको तो सबसे पहले सोचना चाहिए अपने गरीब तबके का, और अगर वो ये सोचेगी वो इस नतीजे पे आ जाएगी कि बेहतरीन तरीका बड़े सगीर में गुर्बत कम करने का है कि हम अमन हो, हमारी तजारत खुले, हम एक दूसरे से सीखें। कई चीजें हिंदुस्तान आगे निकल गया है, कई चीजें पाकिस्तान अभी एक्सेल कर रहा है, हम दोनों मुल्क आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए ये फिर से कहता हूं कि हिंदुस्तान एक कदम आगे बढ़ाएगा, हम दो कदम हिंदुस्तान के आगे बढ़ाएंगे दोस्ती में। मैं आज आप सबको फिर से आपको वेलकम करता हूं, खुशामदेद कहता हूं, और मुझे सबसे ज्यादा आपकी शक्ल के ऊपर देख के खुशी हुई कि आप वही आपकी शक्लों पे खुशी है जो एक मुसलमान जब वो मदीना जाता है तो हमारी शक्लों पे खुशी होती है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई आपको देख के आज, और मैं फिर से ये आपको वाजे करता हूं कि हम आपके लिए आसानियां पैदा करेंगे, इसको बेहतर करेंगे, ये कॉरिडोर बनेगा, और कॉरिडोर में जो दूर खड़े होकर लोग दूरबीनों से देखते थे वो खुद यहां दरबार इस दरबार पे आके रह भी सकते हैं, ठहर भी सकते हैं, और इंशाल्लाह सारी फैसिलिटीज आपको देंगे। मैं आप सबका फिर से शुक्रगुजार हूं और आपको फिर से वेलकम करता हूं, और खास तौर पे नवजोत सिद्धू आपको। और मैं अच्छा आखिर में एक चीज, मैंने जब देखा कि सिद्धू वापस गए पिछली बारी 3 महीने पहले जब ये आए थे, तो इनके ऊपर बड़ी तनकीद हुई। मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि तनकीद क्यों हुई। एक इंसान एक दोस्ती और प्यार का पैगाम लेके आया है, वो कौन सा जुर्म कर रहा है, और वो उन मालिक के बीच में वो दोस्ती की बात कर रहा है जो दोनों मुल्क न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, हमारे पास दोनों के पास एटमी हथियार हैं, तो जंग तो हो ही नहीं सकती। दो मुल्क जिनके पास एटमी हथियार हो, वो तो पागलपन है जंग का सोचना, वो तो बेवकूफ इंसान है जो कभी सोचेगा भी कि एटमी जंग कोई जीत सकता है, वो तो सब हार जाएंगे। तो जब जंग नहीं करनी तो दूसरा रास्ता दोस्ती के अलावा क्या है। तो कौन सा जुर्म किया था सिद्धू ने यहां के, और माशाल्लाह सिद्धू मैं आपको एक बात बता दूं, जो मैंने कल से देख रहा हूं यहां,
आप बिशा किधर आके इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप या पाकिस्तान में इलेक्शन जीत जाएंगे और पंजाब में खास तौर पे। और मैं आखिर में यह भी कहना चाहता हूं कि जो मैंने दो किस्म के पॉलिटिशियन बताए थे ना, एक होता है जो चांस लेता है, जो बड़ी ख्वाब देखता है, दूसरा है वो डर डर के अपना वोट बैंक देखता है, दूसरा नफरतें फैला के वोट लेता है, और एक इंसानों को जोड़ के वोट लेता है। मैं ये उम्मीद रखता हूं कि ये ना हो कि हमें सिद्धू की इंतजार करनी पड़े कि जब वो वजीर आजम बनेगा तब दोस्ती होगी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की। मैं उम्मीद रखता हूं कि वहां ऐसी लीडरशिप आ जाए कि पहली उनमें ये ताकत हो। देखिए, लीडरशिप को ताकत चाहिए, एक इरादा चाहिए, और इंसान की तारीख, इंसान की तारीख आप उठा के देख लें, जब इरादा कर लेती है लीडरशिप, कोई चीज नामुमकिन नहीं होती। और हम इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आगे हमारे बड़े अच्छे रिलेशनशिप होंगे, मुझे ये लगता है, और आप, आपको भी लगता है। आप जब यहां आए हैं, आप निकल के जाएं, लाहौर निकलें, सियालकोट जाएं, आप देखिए पब्लिक आपसे कैसा प्यार करती है। आप अभी निकले हैं पब्लिक के अंदर, क्यों सिद्धू जी आप गए हैं, आपको देखा किस तरह प्यार किया पब्लिक ने। ये पब्लिक हिंदुस्तान में भी, मैं जब क्रिकेट नहीं खेली थी हिंदुस्तान में, मुझे भी जब मैं वहां जाता था तो उसे जाने से पहले, क्रिकेट खेलने से पहले जब मैं नहीं गया था, तो हमें भी बड़ा, हम पार्टीशन की पहली जनरेशन थे तो बड़ी नफरतें थी। तो जब मैं वहां हिंदुस्तान गया, जिस तरह प्यार मिला, जिस तरह इज्जत मिली, तो मैं भी हैरान हो गया। और तब से मैंने फैसला किया कि हमें इकट्ठे होना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए हमारी। तो जो आप आएंगे, आप भी जब शहर में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, आपको भी अंदाजा होगा कि ये मुल्क के जो अवाम है वो दोस्ती चाहती है। सिर्फ लीडरशिप को एक पेज पे आना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।